ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर जनपद में अभी तक एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, 80 रिपोर्ट का इंतजार है। कोरोना पॉजिटिव जमाती मिलने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। आपको बता दें कि सहारनपुर के दुमछेड़ा गांव में जहां ये जमाती मिला है, उस गांव की चारों मस्जिदों को आइसोलेटेड करा दिया गया है। इसके अलावा समीपवर्ती गांव में भी मस्जिद को आइसोलेटेड कराया गया है। इन सभी मस्जिदों पर अब पुलिस प्रशासन की निगरानी है। इतना ही नहीं, यह जमाती जिन जिन घरों में खाना खाने गए थे या जिन व्यक्तियों के संपर्क में रहे थे, ऐसे 10 व्यक्तियों की भी आज जाँच की गयी है। इन सभी 10 व्यक्तियों को क्वारंटाइन में रख दिया गया है। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अभी तक 140 लोग आइसोलेशन वार्ड में हैं, जहां 80 भेजी गई रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें अधिकांश जमाती हैं। इसके अलावा आज 10 लोगों के सैंपल भी भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि हमारा फर्स्ट आइसोलेशन वार्ड फतेहपुर तथा दूसरा मेडिकल कॉलेज सहारनपुर है, वही तीसरा मेरठ में है। फिलहाल पूरी तरह से पुलिस प्रशासनिक अधिकारी उनको लागू कराने में लगे हुए हैं। अभी तक की जो सूचना जनपद सहारनपुर की है, उसके मुताबिक अभी तक केवल एक व्यक्ति जो है वो कोरोना पॉजिटिव है। ये व्यक्ति जो है तबलीगी जमात से संबंधित हैं। इसके सिवाय हम लोगों ने कल 80 और सैंपल जो है भेजे हैं। ज़्यादातर सैंपल तबलीगी जमात से संबंधित व्यक्तियों के ही हैं, जिसकी रिपोर्ट आज शाम को या कल सुबह तक हम लोगों को मिल जाएगी। तो अभी तक तो केवल एक व्यक्ति हैं, और जिनको हम लोगों ने फतेहपुर CSC जो कि हम लोगों का कोरोना का जो लेवल 1 का हॉस्पिटल हम लोगों ने चिन्हित किया है वो है, और लेवल 2 का हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, और लेवल 3 संभवतः जो है वो मेरठ का जो हम लोग का जो मेरठ मेडिकल कॉलेज है वो रहेगा। सर, जो जहाँ से पकड़ा गया है वहाँ की मस्जिद का क्या आइसोलेट किया गया है क्या? देखिए, जो गांव है दुमझेड़ा गांव है, तो दुमझेड़ा गांव में 4 मस्जिदें हैं। चारों मस्जिदों में ये लोग रहे थे। चारों मस्जिदों पर हम लोगों ने जो है उसको सैनिटाइज किया है, और वो चारों मस्जिदें इस समय पुलिस की कस्टडी में हैं। इसके सिवाय जो एक समीपवर्ती गाँव है, उससे लगा हुआ गाँव है, उसमें भी ये लोग 6-7 दिन गए थे। इसके सिवाय विभिन्न कई लोग ऐसे थे जिनके घर इन लोगों ने भोजन किया था, तो उन सभी लोगों को हम लोग जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, और घर घर आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती वहाँ पर जा रही हैं। सबको जो भी अगर किसी में भी कोई सिम्टम नज़र आएगा तो उसको भी हम लोग आइसोलेट करके और जो मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्यों जो जमाती पॉजिटिव आए हैं, क्या इनके समीपवर्ती जो लोग रहे हैं उनको भी आइसोलेशन मिल गया? नहीं, हाँ, जो करीब 10 लोगों को जो है वो हम लोगों ने चिन्हित किया है, और 10 लोगों को हम लोग आज उनका सैंपल जो है भिजवा रहे हैं।